इंडस्ट्री ने ऐसी ऐसी मूवीज बनाई है जो किसी पर्टिकुलर जॉनर पे आइसोलेट नहीं होती, हमेशा कुछ नया नया ट्राई किया है, और अगर सिंपल कहानी चूज की है तो उसे प्रेजेंट करने के वे से सबको इम्प्रेस किया है। Hey guys, it's Prachi and welcome back to my channel. आज मैं ऐसी ही एक सिंपल येट एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेजेंटेड कहानी दिया की बात करने वाली हूँ। ये एक कन्नड़ा मूवी है जो आप Amazon Prime पे देख सकते हो, 2 घंटे 17 मिनट के आसपास की ये मूवी है। एंड लेट मी टेल यू, यू नीड टू ब्रेस फॉर इम्पैक्ट जो ये मूवी आप पे छोड़ने वाली है, क्योंकि आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। अब इसकी कहानी तो मैं आपको जरा सा भी स्पॉइलर नहीं देने वाली, छोटी सी छोटी चीजें मैं चाहती हूँ आप जब मूवी देखो तब खुद एक्सपीरियंस करो, ताकि आप ये इस पूरी मूवी को फील करो अच्छे से। तो दिया एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और वो रोहित से प्यार करने लगती है, ये उनका लव एट फर्स्ट साइट होता है। वो रोहित को सामने देखती है और इंस्टेंटली उनको उनसे अफेक्शन हो जाता है और वो धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट होता है। मूवी के स्टार्टिंग 20-25 मिनट्स बस यही चीजों पे रोहित और दिया को ही डेडिकेट किया गया है। अब दिया रोहित से इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जब भी इजहार करने की बात आती है उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाते। दिया अपने लाइफ में थोड़ा प्यार, थोड़ा टकराव, थोड़ी जेलसी एक्सपीरियंस करती ही है, तभी उसके लाइफ में और कहानी में आ जाता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है आदि, और ये आदि कैरेक्टर का भी दिया के लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। दिया और रोहित का आगे क्या होता है और आदि दिया के लाइफ में ऐसा क्या रोल प्ले करने वाला है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब ये तो हो गई कहानी, अब ये कहानी यानी मूवी क्यों देखनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। इतनी सिंपल कहानी है लेकिन इतने इंप्रेसिव वे में पूरी कहानी को प्रेजेंट किया है। रोमांटिक ड्रामा मूवी है और कैरेक्टर के बिल्डअप पे इतनी ज्यादा मेहनत की गई है कि हम हर एक जन से मूवी में कनेक्टेड फील करेंगे। दिया, आदि और रोहित सबके परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे है इस पूरी मूवी में। मूवी के सेकेंड हाफ में ना हम बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं और मूवी एक के बाद एक ट्विस्ट देती जाती है। मूवी को डायरेक्ट और लिखा गया है KS अशोक ने और डायरेक्शन मूवी का बहुत ज्यादा अच्छा है। रोमांटिक मूवी है लेकिन एक भी गाना नहीं है, लेकिन ये गाने की कमी एक बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलते रहता है उसे पूरी तरह से पूरी कर दी है। एक मैजिकल टच ऐड करता है बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी कहानी को। सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है, सेकेंड हाफ में बहुत सारे सीनिक विजुअल्स है जैसे कि ड्रोन शॉट्स लिए गए हैं, लेक व्यूज है, काफी सारी ग्रीनरी और एकदम फ्रेश लुक लगता है और हम लोग एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। मूवी का क्लाइमैक्स जिस तरह से लिखा गया है, कूडोज टू द राइटर, ये मूवी एक इम्पैक्ट छोड़ने वाली है हर एक इंसान पे। मूवी खत्म करने के बाद हर एक इंसान इस मूवी के बारे में सोचने वाला है, मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में सोच के बुरा लगने वाला है। ये एक ऐसी मूवी है ना जिसको सिंक इन होने को काफी टाइम लगता है और ये काफी सारे टाइम आपके माइंड में चलती रहेगी, क्योंकि ये मूवी आपको अंदर से हिला देने वाली है। इतना सारा प्यार और दर्द आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इन 2 घंटे के टाइम में। मूवी देखने के टाइम एक टिश्यू या रुमाल साथ में लेके बैठना, वरना स्लीव्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। मूवी का स्क्रीन प्ले इतना मूविंग है, फर्स्ट हाफ में इतनी सारी चीजें दिखा देती है लेकिन एक भी चीज ओवरक्राउडेड नहीं लगती। मूवी के डायलॉग ना है तो रेगुलर से लेकिन काफी मीनिंगफुल है। एक दो जगह पे आप ऐसे डायलॉग सुनोगे जो आपके माइंड में छप जाएंगे और लास्ट में आपको उसका एक्चुअल सेंस समझेगा। इन शॉर्ट, दिया एक मास्टरपीस है, ये इमोशंस के समंदर में आपको लेके बहेगी और आप एकदम खो जाने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिया नहीं देखी तो जरूर देखना, और देखने के बाद नीचे लिखो और मुझे बताओ कि अच्छी थी, बुरी थी, ठीक थी, कैसी थी। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, बाय, टेक केयर।